मुझसे पानी कहाँ से लाए? दूसरों के कुआं, हम लोग घर में कुआं है क्या? वहाँ पे जो हुआ है तो पता चल ही रहा है, और क्या क्या हुआ है मैं सब कुछ आज आप लोग को डिटेल से बताऊंगी, क्योंकि आप लोग जो भी मेरे सपोर्टर है आप लोग को भी पता चले कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है। मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरी दिनचर्या काम होती है पहले मैं उनको कंप्लीट कर लूं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सारा पानी गिरा दिया मेरा ले इठो। ये तेल दे दे रही हूँ, बहुत सारा कमेंट करके बताया था कि उसमें तेल देने से ना वो अच्छा से दूध देती है, उसको लगता नहीं है। हमारे भी नहीं गो माता मारती वारती कुछ नहीं है। हाय दोस्तों, आज मैंने पहली बार इतना दूध निकाला है, देख सकते हैं। और आप लोग ने जो कमेंट किया था कि गाय को थोड़ा सा तेल लगा के निकालिएगा, पीछे तरफ पैर बांध दीजिएगा, तो पीछे तरफ पैर बांधने की बात हुई तो मैंने वो भी कोशिश किया था, लेकिन मैंने कोशिश किया था पीछे तरफ उड़ उड़ के मारती है, बंधा हुआ रहता है फिर भी हीरो जैसा। तो अब क्या हुआ ना, धीरे धीरे उसको अच्छा अच्छा खिला खिला के उसको थोड़ा सहला सहला के अभी एकदम शांत हो गई है, और देखिए कितना सारा दूध दे दिया है आज। और आज इस दूध का मैं बनाऊंगी दही। मैं पहली बार बना रही हूँ क्योंकि मैंने और कभी बनाया नहीं है, और पापा हमको बता दिए ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे करना है, तो आज मैं दही बनाऊंगी और मैं अपने परिवार में सबको खिलाऊंगी। मुझसे मार भात हो गया। हाँ मार भात हो गया। खाना है ना? परोस दूं ना? ठीक, ये डाल ले इठो। इसमें दूध गरम करेंगे बाबू। दूध इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा दही, मीठा दही। यम्मी। कौन सिखाया है? नाना जी सिखाया है मुझे, मेरे पापा सिखाया है। आज मैं सबको मीठा दही बना के खिलाऊंगी। मुझे आता नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगी, पापा बता दिए ऐसे कैसे बनाना है कैसे करके। ये मैंने गरम करने के लिए दे दिया है, अब जैसे उबलेगा उसके बाद इसको ठंडा होने देंगे। समीर देखो मेरा दूध उबल रहा है। दही बना? अबे अभी कैसे बनेगा रे पागल, अभी इसको उतारेंगे इसको ठंडा होने देंगे तब ना। छाकना नहीं है, दलिया दही बन जाएगा। थोड़ा दूध लग गया, गरम दूध। दूध उबालिए और दही हम लोग को दे दीजिए। दूध उबालने के बाद दही नहीं होता है मेरे? हो जाता है। ये देखो कैसे क्या करना है, तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम भी बना के अपना पीते रहना। ऐसे करके ढक देंगे, ढकने के बाद अच्छा सा कपड़ा जो कि पापा का गमछा है। उठो, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे, तुम चलो मेरे साथ दिखाते हैं। यहाँ पर 2 घंटा दीजिएगा। हाँ 4 घंटा देते हैं ना, अच्छा से हो जाएगा। 4 घंटा मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसे। 1 सेकंड दे दीजिए उससे अच्छा। 1 सेकंड ठीक है, 1 ही सेकंड दे दिए। अब दही, उसके बाद जब दही बन जाएगा उसके बाद आपको दिखाएंगे कैसे दही बनता है। तो दोस्तों मैंने दही जमा होने के लिए दे दिया है, उसमें शायद 3-4 घंटा भी लग सकता है, उससे पहले मैं थोड़ा अपना काम कर लेती हूँ। क्या काम? दोनों बचपन को मैंने पढ़ने बिठाया, देख रही हूँ लोग क्या कर।
उन लोग को खिलाएंगे आम, क्योंकि बच्चा लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, उसका पूरा रस ही निकल गया। चलो जिसका नसीब में जो है वही मिलेगा। ये देखो मैंने क्या लाया, लो 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 तुम लो, फुचकी को ये वाला मिला, चलो खा, चलो खा दो, पूरा मस्ती करके खा, बहुत मेहनत कर रहा है तुम लोग, खा खा, अच्छा लगता है। चलो गाना सुनाए तो आप ऐसा गाना गाते हैं जो कुत्ता भी दम से भाग जाता है। ओ मेरा तारीफ कर रहा है या फिर मेरा बदनाम कर रहा है बता। अब ये आ गई ना अपना चश्मा, ठीक है। ओ कुछ ऐसा कर कमाल, ओ कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। थैंक यू थैंक यू। बोलिए कैसा लगा मेरा गाना? बहुत अच्छा। हाँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे तुम तो गदगद कर दिया रे, कुछ की हम गाना अच्छा बोले ना, हम अच्छा बोले ना, बोलो ना बोलो ना बोलो। बाद में इसे देख रही हूँ, पता नहीं बनाए कि नहीं। टेंटने दीदी, दही ऐसा ही बनता है ना? हाँ फिर दही बना, मैं सबको दे देती हूँ, थोड़ा थोड़ा परोस देती हूँ, अब वही लोग बताएगा कि टेस्टी हुआ है या नहीं। थोड़ा सा मैं इसको, मैं बोली थी कि मीठा दही सबको खिलाऊंगी, तो मीठा दही बनाने के लिए मुझे इसमें थोड़ा सा चीनी डाल देना पड़ेगा। चीनी खाएगी? उठा उठा के खाओ, उठा उठा के खाओ, दिक्कत क्या है? अरे हाथ में थोड़ा सा ले लो ना, खाते रहो हाथ में। अच्छा लो लो, मैं दे देती हूँ। तो दोस्तों सब बनाता है मिट्टी का बर्तन में, लेकिन मेरे पास कोई मिट्टी का बर्तन है ही नहीं। इस लॉकडाउन में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मैं इसीलिए स्टील का बर्तन का मैंने यूज किया। अब पता नहीं ठीक बना है ना, मैंने पानी ज्यादा दे दिया है, वो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैंने दही बना पाया है कि नहीं। चलिए अब दही तो मैंने परोस दिया, ये देख सकते हैं, अब देखते हैं बच्चा सब बोलेगा खा कि टेस्टी बना है कि नहीं। चलिए फॉलो मी। ये देखो मैंने क्या लाया आप लोगों के लिए, कट कर। ये देखो मैंने क्या लाया, क्या लाया है, क्या है बोलो, दम ला दो, क्या है? दिल्ली है, सही बात है, पता नहीं हम दही बना पाए हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैंने सुबह ही बताया था कि एक बैड न्यूज है मेरे लिए, वो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि आप सभी ने कमेंट करके बता रहे थे कि आपका चैनल वापस आ गया है, कि आपने वीडियो डाला है, जो मैंने कॉमेडी वीडियो डाली है, और आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है मेरे यूट्यूब फैमिली ने, सो थैंक यू सो मच। और जहां तक ये चैनल वापस होने की, तो हाँ चैनल वापस आ गया है, वापस आ गया, लेकिन और एक कांड हो गया है, उसने मेरा चैनल हैक तो किया ही था, उसके साथ जैसे ही चैनल वापस दिया, हमने जैसे ही सोचा कि अपना ये जो पासवर्ड है उसको चेंज कर देंगे, जिस हम YouTube चैनल खोले हैं, उसने तुरंत क्या किया, पूरा फोन को हैक कर लिया। हैक करने के बाद उसमें वो क्या किया ना, पासवर्ड लगा दिया, जबकि उस फोन में हमने कोई भी पासवर्ड नहीं डाली थी। अब उसके बाद एक दिन के बाद वो पासवर्ड वो खुद भेजा, फिर वो उसको पासवर्ड खोले, खोलने के बाद जितना सारा था, भाई कोशिश किया कि हम लैपटॉप में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन उतना तो वो नहीं कर पाया, जिसके चलते क्या हुआ, पूरा फोन को जितना कुछ था मेमोरी खाली करना पड़ा, सब कुछ साफ करना पड़ा, उसमें मेरा इंस्टा की आईडी भी थी,
सब कुछ साफ हो गया, वो भी डिलीट हो गया और हम लोग भूल गए हैं कि हम इंस्टा का आईडी फोन नंबर से बनाए थे या फिर ईमेल आईडी से। तो हमें समझ में नहीं आ रही है अभी, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं कुछ दिन से इंस्टाग्राम में भी वीडियो नहीं बना रही हूँ। क्या बोलूं, इतना मेहनत करके 10,000 फॉलोवर मेरे कंप्लीट होने वाले हैं इंस्टा पे, आज हो जाएंगे 10,000, आप देख सकते हैं, लेकिन उसमें मैं वीडियो नहीं डाल सकती हूँ, कितना खराब लग रहा है मुझे। खैर दोस्तों, देखते हैं क्या करेंगे, क्या किया जाए। और जहां तक ये हमारा चैनल का बात है, तो आप लोग को हमेशा ऐसे अच्छी अच्छी ब्लॉग देखने को मिलेगी। और मैंने सावित्री कुमारी ऑफिशियल में एक कॉमेडी वीडियो डाली है, उसको भी जाके देखिए, बहुत मजा आने वाला है। और भाई का चैनल में गिव अवे किया गया है, डांसर सनातन में उसमें गिव अवे किया गया है। किस चीज का गिव अवे है, उसके लिए आपको जाके डांसर सनातन में जाना पड़ेगा और वहां आपको वीडियो देखना पड़ेगा। और जितना हो सके डांसर सनातन चैनल को भी प्यार दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सावित्री कुमारी ऑफिशियल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।